हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बाज़ार से भी अच्छा और टेस्टी नमक पारे आप अपने घर पर ही बना सकते हैं। और इसे बनाना कोई ज़्यादा मुश्किल का काम नहीं है, बल्कि बहुत इजी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं फूडी गॉड। क्या बनाने वाले हैं? नमक पारे बनाने जा रहे हैं। क्या? नमक पारे बनाने। आज नमक पारे बनाने लेंगे। चले आइए, देखते हैं कैसे बनता है नमक पारे। ये देखिए, ये आ गया है सबसे पहले मैदा। ये है तकरीबन 8 किलो मैदा है, जो कि हमारे मशीन के अंदर आ चुका है। अब इसके बाद हम डालेंगे तकरीबन 200 ग्राम नमक, नॉर्मल नमक है। इसके बाद हम इसमें 150 ग्राम अजवाइन ऐड करेंगे, जो कि टेस्ट बहुत अच्छा होता है नमक पारे में, और हमारे डाइजेस्ट के लिए भी इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, पेट ख़राब होने का कोई चांस नहीं होता है। और इसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे तकरीबन 1 लीटर से ऊपर, या 1 लीटर ही मान लीजिए। 1 लीटर के बाद हम इसमें ऐड करने वाले हैं रिफाइंड होगा 800 ग्राम। 800 ग्राम रिफाइंड हम इसमें ऐड करेंगे 8 किलो मैदे के लिए। यार है, इसके बाद हम तकरीबन 1 किलो डालडा घी डालेंगे ताकि खस्ता बने और खाने का टेस्ट थोड़ा और भी अच्छा है। तो इसके लिए ये 1 किलो डालडा घी हमने ऐड करा है। इसमें बेलें तो ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जितना ही हम रोटी का साइज होता है, जितना मोटा रोटी होता है हम उतने ही रखना है। हमें ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, नहीं तो ये अंदर से सही से पकेगा नहीं, वो कच्चा ही रह जाएगा अंदर से और बाहर से पक जाएगा, तो फिर खाने में वो टेस्ट नहीं आएगा और हमारे मुँह में भी चिपकेगा जब हम इसे खाएँगे, अगर ये कच्चा होगा अंदर से। तो इस बात का ध्यान रखना है, हमें इसे पतला करना है, जितना रोटी हो सक रोटी का साइज होता है, जितना मोटी रोटी होती है उसी टाइप का आपको करना है। ये देखिए, ये जल्दी जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि ये जो मैदा है वो थोड़ा टाइट हो जाता है तो बेलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत थोड़ा ज़ोर लग रहा है बेलने में। प्रॉपर बिल्कुल करेंगे, कहीं से भी मोटा नहीं होगा, कहीं से भी पतला नहीं होगा। और आपको ये बात ध्यान में रखना है, ज़्यादा मोटा ना हो, बेशक पतला हो जाए एक बार तो चलेगा, मगर मोटा नहीं होना चाहिए। और जो ये एक्स्ट्रा है इसे हम कटिंग करके निकाल देंगे। अब आपको अपने चाकू की मदद से आप सेंटर से एक स्ट्रेट सीधी लाइन खींचते जाएं। आपको जितना मतलब साइज चाहिए आप सीधी लाइन खींचते जाएं। उसके बाद दूसरा है जो, उसके बाद मैं आपको और बताऊंगा कैसे क्या करना है। ये देखिए, बिल्कुल सीधी सीधी लाइन, आप ज़्यादा गैप नहीं देके, आधे इंच का गैप देके आप लाइन खींच सकते हैं। ये देखिए, अब उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको तिरछे की ओर स्लाइड करना है चाकू को। देखिए, बिल्कुल ऐसे बन जाएगा, ये शेप में आ रहा है। देखिए, आपको तिरछे लेके जाना है, बिल्कुल ये देखिए, बहुत इजी है, कोई मुश्किल भी नहीं है, ये काम आप आराम से बना सकते हैं अपने घर में। ये देखिए, ये हो गया। अब हम इसके साइड के जो छोटे छोटे वो हैं वो हम निकाल देंगे। ये देखिए, ऐसे जो ये छोटे होते हैं, ये प्रॉपर कटिंग नहीं हो पाया तो हम इन्हें साइड वाले को निकाल देंगे, दोनों तरफ से, चारों तरफ से। ये देखिए,
अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब ये सारे बड़े बड़े पीसेस रह गए हैं, अब छोटे छोटे हमने पीसेस जितने भी थे वेस्ट वाले हमने निकाल दिए। अब हम इसे निकाल देंगे किस इस तरह से, देखिए ऐसे, और उसी चाकू से आप स्लाइड कर देंगे, ऐसे निकल जाएगा इजीली। ये देखिए कितना अच्छा कटा। अब हम इसको तेल पे लेके चलते हैं, तेल गर्म हो गया है, और ध्यान रखें तेल ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, मीडियम पे होना चाहिए। और आप जैसे ही इसको तेल पे डालें तो आपको इसको कुछ नहीं करना है, बस आप इसको छोड़ दें ताकि ये टूटे ना। अगर आप इसमें ज़्यादा चलाओगे तो ये टूट जाएगा, ये खुद ब खुद पकते जाएगा और ये ऊपर आता जाएगा। देखिए आ रहे हैं ना ये कैसे। आपको अभी यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अब इसको चलाना नहीं है, अब इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, ये खुद ब खुद सारे ऊपर आ जाएंगे, तेल के ऊपर आ जाएंगे, थोड़ा ये हार्ड हो जाएंगे, उसके बाद आप इसको हिला सकते हैं। ये देखिए कैसे धीरे धीरे सारे ऊपर आ रहे हैं। और आपको ध्यान रखना है गैस मीडियम पे ही रहना चाहिए, ज़्यादा वैसे नहीं, तेज नहीं होना चाहिए, नहीं तो ऊपर से लाल हो जाएगा और अंदर कच्चा ही रह जाएगा। ये देखिए अब आपको जब ये जैसे ही थोड़ा हार्ड हो जाए तो आप इसको ऐसे लगातार चलाते रहें जैसे कि ये चारों तरफ से सही कलर आए, इनमें ब्राउन सही कलर आए इसमें। ये देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले भी ये बताया कि ये बहुत इजी है, आप बना सकते हैं इसे अपने घर में। ये देखिए, ये देखिए हमारा कलर आ गया, अब हम इसे बाहर निकाल रहे हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया हुआ है। अब इसे भी हम दूसरे एक और बार निकाल लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया हुआ है, ये देखिए, ये देखिए। ये देखिए कितना, ये तकरीबन ये 8 किलो मैदे का ही 16 किलो नमक पारे तैयार हो गए। आप देख सकते हैं आप, ये नमक पारे तैयार हो गए हमारे, जो कि बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल खस्ता है, बिल्कुल सॉफ्ट है और आसानी से टूट जा रहा है ये खाते टाइम, और क्रिस्पी भी है। ओके गाइस, ओके गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आप सबको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ध्यान रखें, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना।